असलकुम हेलो हाय एंड वेलकम माई शमस्टार्स आई एम योर टीचर जैनब शेख फ्रॉम शैम फ्यूचरिस्टिक स्कूल कालपुरा कुपवारा टुडे आवर टॉपिक इज मैजिकल वर्ड्स यू नो व्हाट इज द मैजिकल वर्ड्स लेट मी इंट्रोड्यूस यू आवर फर्स्ट मैजिकल वर्ड इज प्लीज आपने बहुत बार सुना होगा प्लीज़ लोगों को बोलते हुए आपको पता है प्लीज़ वर्ड का मीनिंग क्या होता है द वर्ड प्लीज़ इज़ वेरी पावरफुल वर्ड आप प्लीज़ बहुत पावरफुल वर्ड है ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी बड़े से या हमें किसी से भी रिक्वेस्ट करनी होती है जैसे मम्मा प्लीज़ खाना दे दो या फिर टीचर प्लीज़ हेल्प मी हमें किसी की मदद चाहिए होती है या हमें कुछ काम होता है या घर में या घर बाहर किसी से भी हमें जब इंसिस्ट करना होता है रिक्वेस्ट करनी होती है तब हम प्लीज़ वर्ड यूज़ करते हैं ठीक है प्लीज़ वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लीज़ वर्ड बहुत ही पोलाइट वर्ड है प्लीज़ हम आप समझ गए होंगे हमें कब कब यूज़ करना होता है मैं आपको एक बार फिर से समझा रही हूँ जब हमें रिक्वेस्ट करनी होती है किसी से भी जब हमें कोई भी बात करनी होती है जैसे आप किसी बुक शॉप में हो आपको कोई बुक चाहिए अब आपको वो बुक हाइट पे नहीं आ रही है आपको किसी से कहना है कि मेरी हेल्प कीजिए तो आप उस टाइम प्लीज़ वर्ड यूज़ करोगे कि प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी या फिर आप आपको दिख रहा है कि किसी को मदद चाहिए तो आप उससे पहले पूछोगे कि मैं आपकी मदद करूं तो आप उससे कैसे पूछोगे प्लीज़ प्लीज़ मे आई हेल्प यू तो जब हमें कोई रिक्वेस्ट करनी होती है बहुत ही पोलाइटली बात करनी होती है तो हम उसे प्लीज़ वर्ड यूज़ करते बोलते हैं हाँ मम्मी को भी तो बोलते हैं ना मम्मा प्लीज़ मुझे चाहिए मम प्लीज़ मुझे चाहिए आपको आपको टॉफी है चॉकलेट है कुछ पची है तो आप कैसे बोलते हो मम्मा प्लीज़ मम्मा प्लीज़ इसीलिए जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है पोलाइटली तो हम प्लीज़ वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन पर देखिए आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना इसमें ये छोटा सा बच्चा इस बुज़ुर्ग लेडी से कह रहा है कि प्लीज़ मैम बैठिए तो ये कब क्या वर्ड यूज़ किया इसने प्लीज़ इस इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मैम बैठिए ओके okay? नेक्स्ट इस छोटी सी बेबी ने जब डोर खोला डोर ओपन किया तो एक बुज़ुर्ग महिला अंदर आई तो इस छोटे से बच्चे ने क्या कहा होगा प्लीज़ कम इन इसने कहा है प्लीज़ कम इन नेक्स्ट अब देखो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं इस छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट्स को टी कॉफ़ी जो भी इनके हाथ में है ऑफ़र कर रही है तो ये कह रही है कि प्लीज़ टेक योर टी प्लीज़ प्लीज़ इसने वर्ड यूज़ किया है रिक्वेस्ट करने के लिए पोलाइटली अपने बड़ों से अब देखो ये दादी है ये छोटी सी बेबी है ये दादी से बोल रही है दादी प्लीज़ 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 प्लीज, मुझे गोदी में ले लो ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा मैजिकल वर्ड है सॉरी सॉरी आप लोग बोलते भी होंगे आपने सुना भी होगा सोसाइटी में बहुत लोगों को बोलते हुए जब हम कोई मिस्टेक करते हैं हमसे कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में तो हम क्या कहते हैं सॉरी सॉरी वर्ड यूज़ करते हैं ना हम सब लोग हमें सॉरी वर्ड यूज़ करना चाहिए जब हमसे गलती हुई हो जाने अनजाने में कैसे ये माँ को बताती हूँ स्क्रीन पर देखी इस छोटे ने बच्चे ने फुटबॉल खेली तो इसकी जो फ़ुटबॉल है ना इसके हाथ में कि फ़ुटबॉल जाके ओ घर में ये जो रखा था ना फ्लास्क टूट गया फुटबॉल लगने से आप देखो मम्मा कितना गुस्सा हो रही है ना तो ये बच्चा क्या बोलेगा मम्मा को सॉरी मम्मा है ना नेक्स्ट हम क्या देखते हैं उप ये देखो यहाँ पे इस छोटे से बच्चे से ये इन अंकल की ट्राउज़र पर कीचड़ लग गया अब इसने जानबूझ के तो नहीं किया होगा ना कोई जानबूझ कर गलती करेगा अभी क्यों लेकिन गलती तो हो गई ना तो अभी क्या कह रही है अंकल से सॉरी तो जब हमसे कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने तो हम सॉरी बोलते हैं अब देखो बच्चों को जैम्स सॉसेस चॉकलेट्स बहुत पसंद होते हैं पसंद होते हैं ना आप सब लोगों को जब मम्मा हमें नहीं देती तो हम चोरी चोरी चुपके चुपके हम निकालते भी हैं सॉसेस अब इसने भी वही किया होगा ना इसने जैम की बॉटल निकाली होगी मम्मा से बिना पूछें लेकिन ओ ओ ये तो टूट गई और मम्मा गुस्सा हो गई अब क्या होगा अब म, अब मम्मा गुस्सा हो गई तो हमें मम्मा को क्या बोलना चाहिए सॉरी इसी तरह देखो तो कोई छोटी सी बच्ची अपनी बाईसाइकिल चला रही थी तो ये जो कीचड़ अंकल की पैंट पे लग गया साइकिल चलाने से अब जान के तो नहीं किया लेकिन गलती तो हो गई अब ये छोटी सी बच्ची अंकल से क्या बोल रही है सॉरी अंकल तो बच्चों जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए यू हैव टू से सॉरी अ टाइम ओके नेक्स्ट एक्सक्यूज मी आपने वर्ड सुना भी होगा ये वर्ड लोगों को बोलते हुए बहुत टाइम एक्सक्यूज मी अब ये कब बोलते हैं हमें क्यों बोलना चाहिए एक्सक्यूज मी चलो मैं आपको बताती हूँ देखो आप पिक्चर्स में देख रही होंगी मम्मा यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही है ठीक है अब मम्मा बर्तन साफ करने में बिजी है ना तो छोटे से बच्चे को शायद कुछ चाहिए होगा तो ये मम्मा को क्या बोलेगी पहले एक्सक्यूज़ मी उसके बाद में अपनी बात रखेगी जब भी कोई इंसान काम में बिज़ी होता है या बातें कर रहे होते हैं जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ये दो बच्चे हैं ना ये आपस में बात कर रहे हैं अभी इनकी फ्रेंड आई है अब ये बातचीत कर रहे हैं आपस में तो ये अचानक बीच में आई है तो अब जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो हम बीच में बोलते हैं तो उनको डिस्टर्ब हो जाता है ना तो इसीलिए हमें पहले क्या बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि जब कोई बंदा बिज़ी होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे बिजी होते हैं तो उनको डिस्टर्ब ना हो और हमारी बात भी हम बोल सकें तो इसलिए हमें बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी अब हमें एक्सक्यूज़ में और कब कब बोलना चाहिए उफ अरे इसको तो ज़ुकाम हो गई हाँ स्नीजिंग आपने सुना होगा ना स्नीजिंग जब हम छींकते हैं तो हम उसे बोलते हैं स्नीज है ना तो जब हम छींकते हैं या खांसते हैं या हमें उफ उबासी आती है जैसे आपको जब नींद आती है तो आप आ, ऐसे करते हो ना जैसे टी बच्चा कर रहा है अब इसको पढ़ते पढ़ते नींद आने लग गई तो अब इसको योनिंग हो रही है इसको उबासी आ रही है तो जब भी आपको खांसी आए या छींक आए या उपासी आए तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं बोलना चाहिए अकेले में नहीं जब हम कहीं बैठे होते हैं तब जब हम किसी से बात कर रहे हों अचानक हाँ छी बीच में आ गई ठीक है तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए इसका मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए या बात करते करते हम जब बोर हो जाते हैं या हमें नींद सी आने लगती है तो हम ओ, योनिंग करते हैं तो सामने जब बैठा हुआ उसको बुरा लगेगा ना इसलिए हमें बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी या हम बात करते करते हमें कभी खांसी आ जाती है तो हाँ ही बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो और हम एक्सक्यूज़ मी कब बोलना चाहिए जब आप मान लीजिए आप कहीं गए हो कुछ लोग बैठे हैं काम कर रहे हैं भले ही आप उनसे बात ना कर रहे हो पर वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं काम कर रहे हैं अचानक आपको छींक आई हाँ छी तो उन लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा वो लोग बात करने में बिजी थे ना अचानक कोई आवाज़ होगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना तो यू शुड से सॉ एक्सक्यूज़ मी ओके सो बच्चों हमेशा इस चीज़ को आदत में डालिए कि योनिंग के टाइम या स्नीजिंग कफ मतलब खांसी या छींकना या फिर उपासी आपको कुछ भी होता है या आपको कुछ काम होता है और सामने आने वाले घर में घर में कोई बिजी हो जैसे मामा बटन माँजती थी आप बच्चे को बात करनी थी तो मामा को डिस्टर्ब हो जाए इससे पहले उसने बोला एक्सक्यूज़ मी जैसे दो बच्चे बात कर रहे थे अब उनकी एक फ्रेंड आ गई अब वो लोग पहले ही बात करने में बिजी थे तो उसने आ, उनको ज्वाइन करने से पहले एक्सक्यूज़ मी बोला ठीक है तो आपको ये मैजिकल वर्ड्स अपनी हैबिट में डालने चाहिए ओके नेक्स्ट हम देखते हैं थैंक यू थैंक यू हमारा फोर्थ मैजिकल वर्ड है थैंक यू हम कब बोलते हैं आपने सुना भी होगा मैं भी आपको हमेशा बाय बाय करने से पर थैंक यू बोलती हूँ ना हाँ नाउ okay? यू नो इट ओके हम थैंक यू कब बोलते हैं लुक एट दिस पिक्चर्स अब ये आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं जब हमें कोई कोई गिफ्ट दे या हमें कोई कुछ देता है या हमारी हेल्प करता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए वी हैव टू से थैंक यू दैट टाइम जैसे आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया तो आप क्या बोलोगे थैंक यू या फिर का काम किया आपके किसी ने हेल्प की तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू ठीक है तो ये फोर मैजिकल वर्ड्स हमेशा आप याद रखिए और इन फोर मैजिकल वर्ड्स को बच्चों अपने हैबिट्स में लाइए क्योंकि ये फोर मैजिकल वर्ड्स बहुत मैजिक है कि ये फोर मैजिकल वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं ओके okay? सो so, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ हैव अ नाइस डे थैंक यू